दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईशान ने जड़ा दोहरा शतक तो दिलहार बैठी स्मृति मंधाना। इंटरनेट के गलियारों में जमकर वायरल हो रही है ईशान और स्मृति के अफेयर के साथ साथ शादी की खबरें। तो आखिर क्या है उनकी सच्चाई, कब होने जा रही है इन दोनों सुपरस्टार्स की शादी, क्या कुछ कहा है ईशान किशन ने इस वायरल खबर पर, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और केएल राहुल में से कौन है सबसे खतरनाक, अपना नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में लगातार दो दिनों के अंतराल में दो विश्व रिकॉर्ड बने हैं। जी हां, हम आपको बता दें 10 दिसंबर का दिन ईशान किशन के नाम पर सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने करिश्मा ही ऐसा किया है। जी हाँ, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक नहीं बल्कि सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल से लेकर वीरेंद्र सहवाग और हिटमैन रोहित शर्मा सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आपको बता दें ईशान किशन ने महज 131 गेंदों पर 210 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 24 चौके तो वहीं 10 तूफानी छक्के शामिल थे। इसके बाद पूरी दुनिया में केवल इसी खिलाड़ी की बात हो रही थी, लेकिन दोस्तों 24 घंटे के अंतराल में ही भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ताबड़तोड़ 79 रनों की पारी खेलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो फिर सुपर ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर उनके मुंह से जीत कर इतिहास रच दिया। जी हां, 187 रनों का लक्ष्य चेस करते हुए स्मृति ने 49 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 79 रन बनाकर मैच सुपर ओवर में पहुंचाया, और उसके बाद सुपर ओवर में 3 गेंद पर 13 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की। इन दोनों सुपरस्टार्स ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान निभाया और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ईशान का दोहरा शतक आया, वैसे ही स्मृति मंधाना भी सोशल मीडिया के गलियारों में ट्रेंड करने लगी। जी हां, दरअसल इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें कई बार चर्चा में आई हैं। लोगों ने तो यहां तक कहा है कि स्मृति और ईशान जरूर शादी करेंगे, और जैसे ही स्मृति ने वो अद्भुत पारी खेली, एक बार फिर इन दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया। केवल इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुडिया है, लेकिन रिश्ते टूटते और नए रिश्ते बनते देर नहीं लगती है, और जिस तरीके से इन दोनों के प्यार में होने की खबरें धूम मचा रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमें बहुत जल्द इन दोनों में से किसी की तरफ से इन अफेयर की खबरों पर मुहर लगाते हुए दिख सकती है। पर दोस्तों अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच की अफवाहों पर पहला रिएक्शन किसका सामने होता है, ईशान किशन का, स्मृति मंधाना का, या फिर उनकी कथित गर्लफ्रेंड अदिति का। लेकिन आपको क्या लगता है कि ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ परमानेंट ओपनर के तौर पर शामिल कर लिया जाना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।